बूथ की मार्केट गई एक इंसान। रात का सन्नाटा, हवा का हल्का हल्का सरसराना और दूर कहीं उल्लू की आवाज। गांव के बाहरी किनारे पर स्थित उस पुराने बाजार की सड़कों पर अक्सर सुनाई देने वाली कहानियों ने वहां एक रहस्य का पर्दा डाल रखा था। उस बाजार को लोग भूत की मार्केट कहते थे। समय के साथ इस जगह की भयावहता बढ़ती गई और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक रात एक साहसी युवक ने उस बाजार में कदम रखा। उसका नाम था राघव। राघव एक उत्साही और निडर व्यक्ति था। उसे भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं था और वह हर तरह के रोमांच का आनंद लेता था। गांव के लोग अक्सर उसे चेतावनी देते थे कि भूत की मार्केट में न जाए, लेकिन राघव ने उनकी बातों को हमेशा हंसी में उड़ा दिया। एक दिन रात के समय राघव ने निर्णय लिया कि वह भूत की मार्केट जाकर देखेगा कि आखिर वहां ऐसा क्या है जो लोगों को डराता है। जैसे ही वह बाजार की ओर बढ़ा, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। वहां का माहौल बिल्कुल भयानक था। चारों ओर सन्नाटा था और केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। राघव ने साहस बटोर कर आगे कदम बढ़ाया। राघव ने बाजार में प्रवेश करते ही देखा कि चारों ओर धूल जमी हुई थी। दुकानों के शटर टूटे हुए थे और सड़कों पर जंग लगे हुए लोहे के सामान बिखरे पड़े थे। वह धीरे धीरे चलते हुए एक पुरानी मिठाई की दुकान के पास पहुंचा। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राघव ने सोचा कि हो सकता है यह उसका वहम हो। वह थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज थोड़ी स्पष्ट थी। राघव, राघव। राघव ने देखा कि एक छायादार आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उस आकृति की ओर रोशनी डाली, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिखा। तभी आकृति अचानक गायब हो गई। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि शायद यह उसकी कल्पना है। उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। चलते चलते वह एक पुरानी पुस्तक की दुकान के पास पहुंचा। दुकान के अंदर से उसे हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने अंदर झांक कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा हुआ था जो एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। राघव ने सोचा कि शायद ये कोई दुकानदार होगा। उसने हिम्मत करके दुकान में प्रवेश किया और बूढ़े आदमी से पूछा, यहाँ इतनी रात में आप क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, यहाँ की कहानियाँ सुनने के लिए लोग आते हैं, लेकिन कोई रुकता नहीं। तुम रुकोगे? राघव ने हंसते हुए कहा, मुझे भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आया हूँ कि सच में क्या है। बूढ़ा आदमी फिर से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम रुके तो तुम्हें सच का पता चलेगा। राघव ने बूढ़े आदमी की बातों को नजरअंदाज किया और बाजार की अन्य दुकानों की ओर बढ़ गया। चलते चलते उसने देखा कि एक पुराने खिलौनों की दुकान में एक छोटा सा गुड़िया अपने आप हिल रही थी। राघव ने सोचा कि शायद हवा के कारण ऐसा हो रहा है। उसने दुकान के अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही राघव बाजार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने तेजी से बाहर की ओर भागना शुरू कर दिया। जब वह बाजार से बाहर निकला तो उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह बाजार से बाहर तो आ गया है, लेकिन उसके पीछे कुछ है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था। राघव को समझ नहीं आया कि वो आदमी कैसे बाहर आ गया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच जानने की इतनी जल्दी थी, तो लो अब सच तुम्हारे साथ है। राघव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा और बोला, मैं वह हूँ जो इस बाजार का रखवाला हूँ। अब तुम भी इस बाजार का हिस्सा हो। राघव को अब एहसास हुआ कि वह भूत की मार्केट में फंस गया है। वह जितना भी प्रयास करता बाहर नहीं निकल पाता। अब वह भी उस बाजार का एक हिस्सा बन चुका था। गांव के लोग अब भी भूत की मार्केट की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन अब उनमें एक नया नाम जुड़ गया है, राघव। इस प्रकार राघव की कहानी ने उस बाजार की रहस्य और भय को और भी गहरा कर दिया।
वह साहसी युवक अब हमेशा के लिए उस बाजार में कैद हो गया और उसकी कहानी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है।